अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और मैं हूं आपके साथ जिया। आइए रुख करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की। इसराइल हमास की जंग में बिगड़ सकते हैं मिडिल ईस्ट के हालात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का किया उद्घाटन। पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर पहुंचा डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड। सपा नेता आजम खान के 40 करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड। प्रियंका गांधी ने कहा इसराइल हमास जंग में कुचले गए सभी कानून। अब खबरें विस्तार से। इसराइल और हमास की जंग और खतरनाक होती जा रही है। इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है और गाजा में हमास के ठिकानों की कमर तोड़ी जा रही है। कल गुरुवार को इसराइल ने थोड़ी देर के लिए जमीनी हमला भी किया। इसराइल के टैंक और सेना गाजा में तबाही मचाकर वापस बॉर्डर पर लौट आए। इसी बीच ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के हालात इस ताजा जंग के मद्देनजर और बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसराइल हमास की जंग के बीच अमेरिका द्वारा 900 सैनिकों की पश्चिम एशिया में तैनाती की जा रही है। आज से इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आगाज हो गया है। देश के सबसे बड़े टेक इवेंट का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इवेंट का उद्घाटन किया। प्रगति मैदान पर यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। नए वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड का खराब फॉर्म जारी है। अफगानिस्तान के बाद टीम की श्रीलंका के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ गया। बेंगलुरु में 8 विकेट से हार के बाद इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल में केवल नीदरलैंड से ऊपर 9वें नंबर पर है। टीम के पास 2 ही पॉइंट्स हैं। दूसरी और श्रीलंका के नाम 2 की जीत के बाद 4 पॉइंट हो गए और टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर पहुंच गई है। रामपुर में आजम खान के करीबी 40 लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इनमें अधिकतर वे लोग हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी सरकार में ठेके मिले थे और ऐसी जानकारियां मिली है कि इन लोगों ने जोहर यूनिवर्सिटी के लिए पैसा डाइवर्ट किया है। इसराइल हमास के बीच जारी जंग को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है, गाजा में 7,000 मनुष्यों की हत्या के बाद भी रक्तपात और हिंसा का दौर थमा नहीं। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसे कुचला ना गया हो। कोई ऐसी मर्यादा नहीं जिसे तार तार ना किया गया हो। कोई ऐसा कायदा नहीं जिसकी धज्जियां ना उड़ी हो। मनुष्यता की सामूहिक चेतना आखिर और कितना चली जाने के बाद जागेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।